بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, you are watching Bihar Madrasa online classes. We are going to learn about 12, class 12, Maulvi Idum. And we are going to learn about I Have a Dream. That means it is a prose, a beautiful prose, but basically it is a speech delivered by Martin Luther King. What about that and what about it? So first we are going to learn about author. Author birth 1929 and death 1968. बच्चे यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स भी दिख रहे होंगे जो हमारे इस प्रोज से रिलेटेड हो. जैसे आपका वर्ड्स मीनिंग में आप देख सकते हैं रेशल, दैट मीन्स रेशल मीन्स जाति है, इनजस्टिस नाइंसाफी, अर्जेंसी फौरी ज़रूरत, डिसकंटेंट नाराज़गी, प्लेज वायदा वायदा से रिलेटेड, नलीफाई मनसूख करना, प्रोक्लेमेशन ऐलान और इमेंसिपेशन आज़ादी, क्रिपल अपाइज करना. कुछ वर्ड्स आपके इसके आपके बुक्स में भी है बच्चों. यू कैन सी द टाइटल पेज ऑफ योर बुक. दिस इज द बोर्ड एग्जाम बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम. यू कैन सी ऑन द टाइटल पेज एंड हेयर यू कैन सी योर द चैप्टर राइट. एंड लेट्स सी के क्या है इसके अंदर हम लोग देखते हैं थोड़ा जानते हैं. तो फर्स्ट हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे कि ऑथर क्या है. ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी आर फॉर जूनियर एक फॉरेन राइटर है बच्चों. और ये यूएसए एंड अफ्रीकन अमेरिकन थे. और ये जो बेसिकली ये पोएम है आप एक लाइन में क्योंकि ये थे वाइट मैन वर्सेस नीग्रो. दैट मीन्स काला और गोरे के बीच में जो वाइट मैन थे वाइट मैन WHITEMAN काला और गोरे के बीच में इनकी लड़ाई जो थी. तो ये इस लड़ाई को के लिए स्पीच दिए थे. तो हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानते हैं. फर्स्ट देखते हैं कि ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग बिकम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट थे. ये सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब ये समाज के लिए पूरी तरीके से एक्टिव थे, उसी के लिए ये करते थे. और यहाँ पर अर्ली इन हिज करियर लैंडिंग द मोंटगोमेरी बस बायकॉट. ये मोंटगोमेरी बस बायकॉट का मतलब एक बार क्या हुआ था कि मोंटगोमेरी एक ये अलाबामा का राजधानी है. अलाबामा जो स्टेट है अमेरिका की उसी की राजधानी है. वहाँ पे एक नीग्रो एक लेडी थी जो ये कर दी थी इनकार कर दी थी एक वाइट लेडी को बैठने के लिए अपनी सीट बस में. उसी में एक लड़ाई लड़ी थी इन्होंने और उसमें ये जीत भी हासिल किए थे. और ये गांधी जी से इंस्पायर्ड थे. जो हमारे मार्टिन लूथर किंग बहुत ही इंस्पायर्ड थे, उनको बहुत फॉलो करते थे. वर्ल्ड वाइड अटेंशन भी मिला इनको इस स्पीच की वजह से. और बच्चे यहाँ पे आप एक चीज़ और जान सकते हैं इनके बारे में कि ये रेशल डिस्क्रिमिनेशन जो है ये सेग्रेशन को ख़त्म किए. ये जो एंड द सेग्रेशन दैट मीन्स क्या अलगाव जो हो रहा था वो काला और गोरे के बीच में, इस चीज़ को इन्होंने ख़त्म किया. और इनकी एसेसिनेट हुई थी, इनकी डेथ हुई थी जो इसमें ऑन अप्रैल 4, 1968 में इनका जो है ये है डेथ है. इन्होंने बहुत कुछ लिखा है लेकिन उनमें से एक स्पीच है आप बुक में भी देख सकते हैं. आपके काफ़ी सारी किताबें हैं. आई हैव अ ड्रीम ये असल में एक स्पीच है. ये प्रोज फॉर्म पे है हमारा लेकिन ये स्पीच है बच्चों. ये स्पीच है लेकिन हमारा यहाँ पे प्रोज फॉर्म पे है. ये प्रोज है, ये स्पीच भी कह सकते हैं इसको हमारा, क्योंकि ये स्पीच दिया गया था इनके मार्टिन लूथर किंग. क्यों दिए थे ये स्पीच तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी. ये वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका यूएसए में है वहाँ मेमोरियल जो लिंकन है अब्राहम लिंकन की जो सीढ़ी है वहाँ पे खड़े होके 1963 में ये स्पीच दे रहे थे. ये अपनी स्पीच को सीढ़ी पे खड़े होके दे रहे थे. क्या दे रहे थे स्पीच? हेयर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट. अब अलाबामा को एक डेवलप करने की इससे फ्री ऑफ रेशल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक. ये वाइट एंड ब्लैक के बीच में जो है ये अपने डिस्टिंक्शन को ख़त्म करना चाह रहे थे कि ये काला घोड़ा का जो मतभेद है इसको ख़त्म किया जाए. द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस फॉर सिविल राइट मूवमेंट. ये पब्लिकों के बीच में काफ़ी फेमस हो गए, इनकी बातों को लिया गया, काफ़ी इम्पैक्ट असर पड़ा उन पर. और एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर
इन अमेरिकन हिस्ट्री, या अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ऑडिटर भी बन गए। तो देखते हैं हमारा कुछ इसमें ये है बच्चों, क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन पहले हम लोग थीम पॉइंट में जाएंगे कि अब्राहम लिंकन ये मार्टिन लूथर किंग ये क्या कह रहे हैं इसमें अपने स्पीच में। तो चलते हैं हम लोग थीम पॉइंट को लेंगे जो आपको एग्जाम में बेस्ड होगा। दिस इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल टू यू टू राइट योर एग्जाम। सो हम लोग फर्स्ट चलते हैं, आई हैव अ ड्रीम, कि मेरे पास भी एक ख्वाब है। क्या ख्वाब है? फाइव स्कोर ईयर्स अगो, 5 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन, एक बहुत बड़ा अमेरिकन थे जो अच्छे माने जाते थे, इन हु सिम्बॉलिक शेडो ऑफ स्टैंड, उसी जो उसकी एक निशानियाँ थी आगे बढ़ने की, शेडो थी उनकी, छाप थी बड़ी, उसी के छत्र छाया में, उसी के इसमें हम लोग खड़े हैं आज, जो अब्राहम लिंकन या और जो प्राइम मिनिस्टर हुए थे, प्रेसिडेंट हुए थे, उन्हीं को संबोधन, उन्हीं को एड्रेस करना है। साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, वो ऐसे साइन जिसको आज़ादी का ऐलान कर रहे थे, दिस मोमेंटस डेक्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐलान है, कि एज अ ग्रेट बीकॉन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव, ये किसके लिए थी स्पीच? नेग्रो स्लेव की, जो नेग्रो थे, जो हबशी थे, काले थे, उनके लिए ही बहुत ही, एक मिलियंस ऑफ नेग्रो गुलाम जो थे उनके लिए थी, उनके लिए एक बहुत अच्छी रोशनी थी। वो हैड बीन सेयर्ड इन द फ्लेम ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, जो अपने नाइंसाफ़ी के आग में झुलस रहे थे, उनके लिए जिनको कोई हक नहीं मिल रहा था, मार्जिनलाइज किया जा रहा था उनको, उनको फ्रंट फुट से बैक फुट में धकेला जा रहा था। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू इन द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, जो हमारा ये खुशी का दिन है वो बिल्कुल आएगा, लंबे समय की जो जकड़ता है, वो जो लंबे समय से हम एक बड़ी रात गुजारे हैं उसकी गुलामी में, वो गुलामी से हम बाहर आएंगे, रोशनी आएगी। एंड आगे कहते हैं, बट 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि आज भी नीग्रो यहाँ फ्री नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे भी अंडर वाइट मैन है, जो हमारे हक को नहीं देते हैं, हमें परेशान करते हैं, उससे रिलेटेड है। 100 ईयर लेटर, फिर से बोल रहे हैं, द लाइफ ऑफ द नीग्रो इज स्टिल सेडली क्रिपल्ड बाई द मिनेकल्स ऑफ सेग्रेशन, ये जकड़े हुए हैं अलगाव की जंजीरों में, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और वो जो चैन आ रहा है, करता हुआ आ रहा है हम लोगों के साथ मतभेद, उससे हम लोग जकड़े हुए हैं उसके अंडर में। 100 ईयर्स लेटर, ये थर्ड टाइम है इनकी, ये द नीग्रो लिव्स ऑन लॉनली आइसलैंड ऑफ द पॉवर्टी इन द मिड्स ऑफ अ वेस्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, ये बोल रहे कि वो आइलैंड, क्योंकि अमेरिका एक आइलैंड ही के तरह वो है, उसमें हम लोग अकेले महसूस कर रहे, जो कि इसमें हर सुविधा है, हर फैसिलिटी है, हर चीज़ की अवेलेबल है, मुहैया है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग अकेला ही फील कर रहे हैं, गरीबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 100 ईयर्स लेटर, द नीग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, 100 साल बाद भी आज भी नीग्रो जो हैं, हबशी जो हैं, वो बिता रहे हैं टाइम एक अमेरिका के फॉरनर्स एकदम साइड में, हम लोग नहीं लग रहे हैं कि इसकी फैमिली से हैं। एंड फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, और हम लोग अपने आप को पा रहे हैं कि हम लोगों को अपनी ही ज़मीन से निकाला गया है, हम लोगों को अपने हक मार्जिनलाइज किया गया है। सो वी हैव कम हेयर टूडे टू ड्रामेटाइज एन अपेलिंग कंडीशन, और इस नाराज़गी कंडीशन में आज हम लोग हैं, क्योंकि ताकि हम लोगों को अपना हक मिले, क्योंकि ये लिंकन की सीढ़ियों में खड़े होकर अपने स्पीच को सबको, अपने फैमिली जो अपने इनके लोग थे, जो मार्टिन लूथर किंग के लोग थे, हबशी लोग थे, उनको समझा रहे खड़े होकर कि देखो आज हम लोग हक नहीं पा रहे हैं गोरों से, क्योंकि अमेरिका में काला गोरा का काफ़ी लड़ाई और डिस्क्रिमिनेशन डिस्टिंक्शन ये होता रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही को ये एंड करना चाह रहे थे। और हम लोग आगे आते हैं कि आगे क्या करते हैं, बट फाइव में, क्योंकि बट क्योंकि ये एक मिसाल दिए हैं कि हम लोग जो हैं आज अमेरिका में, ये हम लोगों को एक इनजस्टिस चेक पकड़ा दिया है, जिसको इनसफिशिएंट चेक के नाम से, कि वो साइन तो कर दिए हम लोगों के लिए, हम लोग हक पाएंगे, बट हम लोगों ने आज तक कोई वैसा नहीं पाया जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल बनाया गया, हम लोग वैसा कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। एंड देखिए बच्चों आगे, बट देयर इज समथिंग, लेकिन कुछ तो है, दैट आई मस्ट से टू माई पीपल हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशहोल्ड विच लीड इनटू अ पैलेस ऑफ जस्टिस, आए हम लोग यहाँ खड़े हैं, और हम लोग हम जो आज आप इस चौखट पर भाषण दे रहे हैं, ये एक इंसाफी का जो एक महल होगा, ये इंसाफी की जगह होगा, हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये भी बोल रहे हैं, बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ द बिटरनेस एंड लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर
thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. कि हम आजादी लेंगे, हम अपना हक लेंगे, लेकिन सता के नहीं, परेशान करके नहीं, ये नॉन वायलेंस को क्रिएट करके नहीं, बिल्कुल आराम से लेंगे. एंड आगे कह रहे हैं ये द मार्वेलस न्यू मिलिट्री विच हैज इनगल्फ द नेग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल. हम वो वाइट पीपल का जो घोड़े लोग हैं उसका भरोसा तोड़ के हम नहीं लेना चाहते हैं. फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट पीपल जो हमारे ये हैं कि वो अपनी स्पीच में उनको भी शामिल कर रहे हैं, उनके लिए हक नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, उनको शामिल करके ही अपना हक लेना चाह रहे हैं. फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स जो हमारे वाइट ब्रदर्स हैं उनके मतलब जो घोड़े लोग हैं उनको बगैर तकलीफ दिए बगैर कुछ किए वो अपना हक लेना चाह रहे थे. और आगे कह रहे हैं साथ में एंड एज वी वॉक we make the pledge that we shall always march ahead. कि हम इस वायदा से अपने आप में वायदा करेंगे ये मार्च ये हमारा आगे जाता रहेगा आगे जारी रहेगा. we can't turn back हम कभी वापस turn back नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम लोग साथ चलेंगे, साथ ही अपना हक को मानेंगे. ये स्पीच दे रहे थे लिंकन की सीढ़ी में खड़े होकर अपने लोगों को संबोधन कर रहे थे, अपने लोगों को बता रहे थे. एंड आर्ट में आई एम नॉट unmindful that some of you have come here out of a great trial and trials and tribulations. जो हम अपनी दुखी हालत में यहाँ सब जमे हुए हैं, हम कोई बेवकूफ नहीं हैं कि हम आज यहाँ खड़े हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, हम अपने हक मांग रहे हैं और एक दिन हम इस सबसे छुटकारा पाएंगे. आगे कह रहे हैं गो बैक टू मिसिसिपी, क्योंकि जो लोग थे मिसिसिपी के लोग थे, गो बैक वापस जाओ मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा, अलाबामा वापस जाओ, गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस जाओ, गो बैक टू ल्यूसिनिया, गो बैक टू स्लम्स एंड गिट्टोज ऑफ आवर नॉर्थन सिटी. ये अपने लोगों को बोल रहे हैं वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, इन जगहों में इन जगहों से मत भागो, हम अपना हक पाएंगे, बिल्कुल ही पाएंगे. गिट्टो से एक जगह है जहाँ नीलू हफ्शियों को रखा जाता है, बहुत ही स्लम कॉलोनी है के तरह, ताकि वो उस सिचुएशन में तो उसको अलग किया गया था जब वाइट मैन से. एंड आगे ये बहुत सारे ये 16 पे हैं जो मेन थीम है उस चीज़ को हम लोग लेते जा रहे हैं ताकि एग्जाम में हेल्प मिले. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा हुज गवर्नर लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिंग एंड नलिफिकेशन. के एक वक्त वैसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि अलबामा में जो गवर्नर होंगे उनके होंठों से हमारे लिए अलगाव की भाव नहीं होगी, हमारे साथ लेके चलने का एक उम्मीद होगी. आज 19 पे है कि विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड. कि हम अपने इस यकीन के साथ हम यहाँ हैं कि भाईचारगी के साथ हम लोग चलेंगे खूबसूरत गाना गाते हुए. जो हम लोग सॉन्ग भी गाएंगे तो एक साथ गाएंगे, बैठेंगे भी तो एक साथ गाएंगे बैठेंगे. तो इस टाइप की सोच विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर. इस उम्मीद के साथ कि हम एक साथ काम करेंगे, टू प्रे टुगेदर, एक साथ हम लोग दुआ करेंगे, मस्जिदों में जाएंगे, गिरजाघरों में जाएंगे, टू स्ट्रगल टुगेदर, और कोशिश भी करेंगे, मुशक्कत भी करेंगे तो एक साथ ही करेंगे, टू गो टू जेल टुगेदर, और जो भी कोई गलती होगा तो हम लोग एक ही साथ सब कुछ करेंगे. ये अपने लिंकन की सीढ़ी में खड़े होकर स्पीच दे रहे थे. टू स्टैंड अप फ्रीडम टुगेदर, और खड़े भी हम स्टैंड होंगे. एंड लास्ट है बच्चों, आप देखिए इसमें के एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन हिज मस्ट कम ट्रू. ये बोलने के एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये मेरी जो स्पीच है इसके ख्वाब पूरा करने वाले एक नीग्रो फैमिली से, नीग्रो ट्राइब से कोई आएंगे, इन्हीं की ख्वाब पूरा किए हैं जो बराक ओबामा जो आए थे प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के, इन्हीं की एक ख्वाबों में से एक ख्वाब था कि कोई नीग्रो हबशी में से कोई आए प्रेसिडेंट बने और उस नीग्रो को हक दिलाए, अपना राइट दिलाए. और लास्ट में कहते हैं फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट. क्योंकि बच्चे एक स्पीच थे मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ये स्पीच अपने इसमें लिंकन की सीढ़ी में अपने इसको कबाइल को अपने ट्राइब्स को बोल लेते कि देखो हम लोग जो नीग्रो वाले हैं काले लोग हैं वाइट से हम लोग नफरत नहीं करेंगे, एकदम मिलजुल के ब्रदरहुड के साथ ही हम लोगों के साथ रहेंगे, अपना हक लेंगे जो हमें मार्जिनलाइज किया गया है. तो बच्चों इनकी स्पीच थी अपने नेग्रो की और ये इनकी बात जो है बराक ओबामा ने पूरा किया था जो प्रेसिडेंट जब बने थे. तो बच्चों इस थीम से रिलेटेड आपको कोई अगर क्वेश्चंस हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सेंड मोर एंड मोर योर फ्रेंड्स.